रेगुलर ह्यूमंस का एक नॉर्मल बिहेवियर है. इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में जब हम वाइटल इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं तो कुछ इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, और यदि वो वाइटल इंफॉर्मेशन हम रिकॉल ना कर पाए, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उस धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है. और यदि यही सिचुएशन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में हो, जैसे हम एग्जाम दे रहे हो या और कहीं पे हो जहां हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, और वहां पे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और हम उस वाइटल इंफॉर्मेशन को रिकॉल किसी भी कंडीशन में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है. चेयर अप गाइस, भूलना ह्यूमन नेचर हो सकता है और उसको ओवरकम भी किया जा सकता है. मैं राजीव फ्रॉम माय ई ट्यूटर्स, केमिस्ट्री की नॉलेज के साथ साथ मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के वीडियोस भी आपके लिए लेके आता हूं. और इस मोटिवेशन सीरीज के वीडियो में मैं आपके साथ लर्निंग कर्व, फॉरगेटिंग कर्व और उसको ओवरकम करने के लिए स्पेस्ड रिपीटेशन की किस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने फॉरगेटिंग को या भूलने के जो बिहेवियर है उसको बहुत हद तक ओवरकम कर सकते. लर्निंग और फॉरगेटिंग कर्व्स जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगियोस ने अपने रिसर्च और डेटा के एनालिसिस पे प्रपोज की थी. डॉक्टर हर्मन एबिंगियोस ने कुछ रैंडम वर्ड्स बनाए अल्फाबेट्स लेकर के, और उन रैंडम वर्ड्स का जो एक डेटा था वो डिफरेंट सैंपल्स के ऊपर ट्राई किया गया और उन सैंपल्स की लर्निंग और फॉरगेटिंग ट्रेंड्स देखे गए. जब ये सारा डेटा कंपाइल हुआ और उस डेटा को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया तो उसे हम लर्निंग और फॉरगेटिंग कर्व्स कहते हैं. अब लर्निंग कर्व की इंटरप्रिटेशन करें तो जैसे लर्निंग कर्व में देख रहे हैं कि लर्निंग कर्व में फर्स्ट जो 20 टू 30 मिनट्स का स्पैन है उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ रिटेंशन बहुत फास्ट होती है, और जैसे जैसे टाइम प्रोलॉन्ग होता चला जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ रिटेंशन ड्रॉप करती चली जाती है, और जितना हम लंबे टाइम तक उसको पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हम चीज सीख रहे हैं वो बहुत यदि प्रोलॉन्ग चलती जाती है तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं, बोर्डम क्रिएट हो जाता है, एक लथार्जिकनेस क्रिएट हो जाती है या टायर्डनेस क्रिएट होता है जिसके कारण हम उसको रिटेन कर ही नहीं पा रहे. तो किसी भी चीज को जब हम लर्न कर रहे होते हैं तो पहले 20-30 मिनट्स उसको बहुत इंटेंसली लर्न करना चाहिए या अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक देने के बाद फिर से दोबारा से 20-30 मिनट्स का स्पैन कराना चाहिए. और यही चीज मैं आपको पहले भी इफेक्टिवली स्टडी के वीडियो में बता चुका हूं, और यदि आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो लिंक जो इस समय लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं. तो अब हम नेक्स्ट देखें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरगेटिंग कर्व कैसे करेंगे. तो फॉरगेटिंग कर्व में भी यदि हम देखें तो फर्स्ट 20 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल. जैसे ही आपका कोई लेक्चर खत्म होता है या आपने कोई जो कुछ अंडरस्टैंड किया है, यदि आप वो फर्स्ट 20 मिनट्स में उसको रिवाइज नहीं करते या उसको गो थ्रू नहीं करते तो अराउंड 40-45% जो आपने कंटेंट अंडरस्टैंड किया था वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा. अब उसकी ड्रेन ऑफ होने के बाद यदि उसको एक दिन तक आप उसको दोबारा उठा करके देखते ही नहीं है तो 70% आप ये सोचिए कि जो आपने अंडरस्टैंड किया था उसमें से 70% आप अभी तक लूज कर चुके हैं, और ये ट्रेंड आगे इसी तरह से चलता जाएगा. और आज यदि आपने कोई चीज पढ़ी है और उसे 2 साल तक यदि आप उसको दोबारा रिवाइज ही नहीं करते तो वो आप टोटली आपके माइंड से ड्रेन ऑफ हो चुकी होगी, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने ये चीज पढ़ी थी. तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? अब क्योंकि यदि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 साल तक आपकी रिटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए. अब वो 2 साल की रिटेंशन स्ट्रांग करने के लिए क्या है, स्पेस्ड रिपीटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस्ड रिपीटेशंस का मतलब हो जाएगा कि हम एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिपीटेशंस करते हैं, उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करते हैं, और यदि हम उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हमारी रिटेंशन हम बढ़ा लेंगे. अब जैसे हमने देखा फॉरगेटिंग कर्व में कि 20 मिनट्स में अराउंड 40-45% जो हमने अंडरस्टैंड किया होता है वो हम ड्रेन ऑफ कर देते हैं. तो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है आप साथ के साथ उसको यदि रिवाइज कर लेते हैं तो होगा यह कि आप अपनी रिटेंशन को वापस 100% तक ले जाएंगे. अब जैसे ही आप अपनी रिटेंशन को वापस 100% तक ले जाएंगे तो उसके बाद फॉरगेटिंग तो स्टार्ट रहेगी, पर क्या है कि अब यदि एक दिन बाद उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो जब एक दिन बाद आप देखेंगे तो जो आपने पहले लेक्चर खत्म होते ही जो 40% लूज कर दिया था तो अब 40% लूज नहीं हुआ. एक दिन के बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको अराउंड 70% के आसपास तक कुछ याद रहेगा. और वैसे ही इसी तरीके से जैसे हफ्ते के बाद, उसके बाद 15 दिन के बाद, उसके बाद 1 महीने के बाद, उसके बाद 3 महीने के बाद, इस तरह से यदि हम
रिपीटिशंस को कंटिन्यूअसली करते चले जाएं, एक शेड्यूल्ड फॉर्मेट में जब हम उसको रिपीटिशंस को बार बार करते चले जाएंगे तो हमारी रिटेंशन बहुत अच्छी हो जाए। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी रिविजन चाहिए। हो सकता है किसी इंडिविजुअल को सिर्फ 3 रिविजन से उसकी रिटेंशन 90% तक हो जाए, किसी और इंडिविजुअल को हो सकता है कि 5-6 रिविजन चाहिए, तब वो उसकी रिटेंशन से 80-85% आएगी। तो ये आपको जज करना पड़ेगा कि आपको कितनी रिविजन। पर आइडियली जो स्पेस रिपीटिशन में रिकमेंडेड है वो है कि मिनिमम 5 रिविजन। यदि आप किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की 5 रिविजन्स करते हैं तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग या रिटेंशन 90% से अबव होगी। और यदि आपकी रिटेंशन 90% से अबव है तो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट को आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा। और जो वाइटल इंफॉर्मेशन है जब भी आप चाहेंगे आप अपने माइंड से उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप कर ले जो अभी तक हमने वीडियो में किया है कि फॉरगेटिंग और लर्निंग जो है वो हर किसी का ट्रेंड मोर और लेस सेम होता है कि फर्स्ट 20 मिनट्स में यदि आप लर्न कर रहे हैं तो अराउंड 50% तक आप उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उस कंसेप्ट को यदि आप नेक्स्ट 20 मिनट्स में रिवाइज नहीं करते तो अराउंड 50% के आसपास ही वो कंटेंट ड्रेन ऑफ हो जाता है। और इसके लिए स्पेस्ड रिपीटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत जरूरी है कि 20 मिनट्स वन डे, 5 डेज, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मिनट्स वन डे और 5 डे का यदि आप शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपकी अराउंड 70-80% तक रिटेंशन तो क्रिएट ही हो जाएगी। कहीं आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे, यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। आप किसी ऐसे को जानते हो जिसको मोटिवेशन की जरूरत है तो मेरा ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इस स्पेस रिपीटिशन का कंसेप्ट आपको कैसा लगा, और यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो उसमें आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई उसको भी नीचे मेंशन करें। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।